हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या अंतर है इसके बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू टॉक अबाउट एट फर्स्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 24/7 सर्विस मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, इसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इग्नू बीकॉम में जाना है और उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसके लिए लिए आपको 119 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको इस तरीके से ट्यूशन फी जो है वो आपको पेमेंट करना है। यहीं पे आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। खुद को पेमेंट करने के बाद जब आप इसको पेमेंट कर देंगे, नीचे में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा। मोर अबाउट पर्क्स में जाना है, नीचे वाला मोर अबाउट पर्क्स, यहाँ पे नहीं, मोर अबाउट पर्क्स में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, जिसके क्लिक करके आपको हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर प्लान को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, नोट 40% डिस्काउंट में मिलेंगे और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट, ठीक है ना। और मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आइए, यहाँ पे ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। आप इन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, आप एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स में क्या अंतर होता है, राइट। तो चलिए फिर देख लेते हैं मीनिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है। सो ट्रेडिशनल कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस व्हिच फोकसेस ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच इनकरेज एक्सचेंज इन सम वे और अदर, है ना। ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब हो गया बिजनेस का वो एक ब्रांच जहाँ पे जो फोकस है वो होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ पे वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो कि एक तरीके से आपको एनकरेज करता है कि आप एक्सचेंज करें, प्रोडक्ट के बदले सामान खरीदें, पैसों के बदले सामान खरीदें, सामान के बदले पैसे दें, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज को एक तरीके से एनकरेज करता है हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स वन वे और अदर, है ना। वेयर एज अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगी, ऑनलाइन होंगी। सो ई कॉमर्स मीन्स कैरिंग आउट कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स और एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट, है ना। आप ई कॉमर्स में आप अपने सारे के सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी आप एक्सचेंज यहाँ पे मैं बोल रहा था वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, बट आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे ई कॉमर्स। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में एक्टिविटीज सेम हो रही है, डिफरेंस सिर्फ ई कॉमर्स में इतना है कि ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन मैनुअल होता है, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ हर चीज ऑटोमेटिक होता है, है ना। एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड टाइम होता है, सुबह 6 से रात 6, सुबह 9 से रात 9, सुबह 10 से रात 10, इस तरीके से करके 12 घंटा का तकरीबन जो है ये लोग टाइम देते हैं, उससे भी ज्यादा भी देते हैं, बट टाइम लिमिटेड होता है, 24/7 नहीं चलता। वेयर इज ई कॉमर्स जो है वो 24/7 चलता है, हमेशा सुबह से शाम, दिन के सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन, महीने के 12 महीने, साल के पूरा साल, है ना, इस तरीके से चलता है। फिजिकल इंस्पेक्शन की बात करें तो गुड्स कैन बी इंस्पेक्टेड फिजिकली बिफोर परचेज। फिजिकल इंस्पेक्शन आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में पॉसिबल है क्योंकि आप पहले जाते हो, गुड्स को देखते हो, परखते हो, फिर जाके आप ऑर्डर देते हो, है ना, कि मुझे ये सामान खरीदना है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे गुड्स आपको बस उसका एक यू नो रेप्लिका दिखाई जाती है, आपको बस फोटोज दिखाए जाते हैं, वीडियोज दिखाए जाते हैं, जिनको देख करके आपको अपना परचेसिंग डिसीजन लेना होता है। और जब आप गुड्स परचेस कर लेते हैं, गुड्स जब आपके घर आता है तो ही आप उसको एक तरीके से फिजिकली चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है एक फिजिकल इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो। कस्टमर इंटरेक्शन यहाँ पे फेस टू फेस होता है, यहाँ स्क्रीन टू फेस होता है। ई कॉमर्स में कस्टमर इंटरेक्शन स्क्रीन टू फेस होता है, स्क्रीन और फेस मिलकर के एक तरीके से इंटरेक्शन आपस में करते हैं। वेयर एज ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, फेस टू फेस होता है। स्कोप ऑफ बिजनेस लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, अगर स्कोप ऑफ बिजनेस की बात करें तो जो ऑफलाइन मार्केट है वो डेफिनेटली लिमिटेड है क्योंकि एक एरिया में ही वो काम करेगा। मैं दुर्गापुर में हूँ, मैं कोलकाता में हूँ, मैं किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट के किसी भी शहर में हो, तो वो सिर्फ उसी शहर पे ही वो काम करेगा, है ना। लेकिन अगर ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन बात करें, तो उसकी जो रीच होती है वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है, पूरी दुनिया में आप अपने सामान को कहीं पर भी बेच सकते हो, है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, दोनों में डिफरेंस यही है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, सो नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट डिटेल्स के रिगार्डिंग, तो आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, ना ही दे पाओगे, ना ही ले पाओगे। लेकिन ऑनलाइन ये पॉसिबल है, आप जब भी अमेजन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो प्रोडक्ट की रिव्यू आप पढ़ते हो, वहाँ पे सारे लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस बताई हुई होती है कि हमने ये प्रोडक्ट परचेस करा था, हमें ये फायदा मिला, ये नुकसान मिला, है ना। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहां से मिल जाती है, वो चीजें सिर्फ जो है
ये इलेक्ट्रॉनिकली ही पॉसिबल है, ठीक है ना। मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे वन वे मार्केटिंग होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वन वे मार्केटिंग होती है और एक ही जगह पे लिमिटेड होती है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ये वन टू वन मार्केटिंग होती है। यहाँ पे एक एक करके आप हर एक व्यक्ति के पास जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल किसी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप फोन करोगे, इंटरेक्ट करोगे ऑनलाइन, आप आराम से जो है ना मार्केटिंग कर पाओगे। पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन आपको कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, ATC वगैरह से आपको पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन भी आपको क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, ई वॉलेट्स इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको तुरंत डिलीवरी हो जाती है, घर पे आपको पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे ई कॉमर्स में तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा टाइम वहां पे लगता है। तो दोनों में ये डिफरेंस आपका है, ठीक है ना। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स, सॉरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।